केंद्र सरकार को एक तरफ अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आलोचना तो झेलनी पड़ ही रही है, वहीं अब शिक्षा के क्षेत्र को लेकर भी केंद्र सरकार निशाने पर है। गोवा के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार की शिक्षा नीति को लेकर खिंचाई की है। उन्होंने कहा, जब शिक्षा नीति में बजट का केवल 6% दिया जाएगा तो देश में किस प्रकार नोबेल पुरस्कार की संख्या बढ़ेगी, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शोध कैसे हो सकेगा। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल जीडीपी का 6% शिक्षा पर नहीं खर्च किया जाता है, शायद इस बात से गवर्नर सत्यपाल मलिक अनजान है। सत्यपाल मलिक ने नोबेल विजेताओं की संख्या पर कहा कि वैसे तो कुल 12 भारतीयों को नोबेल मिला है, लेकिन इनमें से 6 विदेशों में बसे हुए हैं, वो सिर्फ भारतीय मूल के हैं, जबकि एक मदर टेरेसा हैं। गवर्नर ने कहा कि असल में 5 भारतीयों को ही नोबेल पुरस्कार मिल सका है। गवर्नर ने यह बयान गोवा की राजधानी पणजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी के एक समारोह को संबोधित करते हुए दिया। समारोह में उन्होंने कहा, शिक्षा और अनुसंधान पर अपर्याप्त सरकारी खर्च देश से नोबेल विजेताओं की कम संख्या के पीछे कारण हो सकता है। इस देश में केवल 12 नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिनमें से 6 विदेशी हैं, एक मदर टेरेसा हैं, इसलिए हमारे पास केवल 5 हैं। उन्होंने देश की तुलना अमेरिका और इंग्लैंड से करते हुए कहा, अमेरिका और इंग्लैंड में एक विश्वविद्यालय में लगभग 150 नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उनके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है और वे शिक्षा पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ केंद्र बजट का 6% से अधिक शिक्षा पर खर्च नहीं किया जाता है, फिर हमारे पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे होगी। केंद्र की शिक्षा नीति के अलावा कृषि क्षेत्र में सुधार को लेकर भी गवर्नर सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार का ध्यान खींचा। कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए उन्होंने अधिक पूंजी लगाने की जरूरत बताया। मलिक ने कहा, एक समय आएगा जब देश की ताकत अनाज की मात्रा या उत्पादन और उसके सशस्त्र बलों के आकार से निर्धारित होगी। देखा जाए तो मोदी सरकार को एजुकेशन पर अधिक से अधिक खर्च करने की जरूरत है, बाकी अन्य मुद्दे के बजाय केंद्र सरकार को शिक्षा नीति पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि देश में शिक्षा का स्तर में सुधार किया जा सके। मौजूदा सरकार के अनुसार सबका साथ सबका विकास तभी संभव हो पाएगा जब अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा दिया जा सकेगा। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।